वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की हत्या पर दुख जताया। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी नौजवान और राष्ट्रवादी लोग मजबूती के साथ अलगाववाद आतंकवाद के संरक्षकों से लड़ रहे हैं और उनका खात्मा भी हो रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिन शैतानी ताकतों ने यह काम किया है उनको सूद ब्याज के साथ इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा और उन्हें नेस्त नाबूद होना पड़ेगा। वहीं बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की हत्या के विरोध में जम्मू शहर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला भी जलाया और नारेबाजी की। इस घटना की राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं कुलगांव के सरपंच गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी जवाहर बानो पर क्रूर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। ये कायराना काम है और हिंसा के अपराधियों को बहुत जल्द न्याय के दायरे में लाया जाएगा। इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इस आतंकी घटना के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता और सरपंच गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की निर्मम हत्या से बेहद आहत हूं। पीएम को हतोत्साहित करने के कायरानापूर्ण प्रयास की निंदा करने में शब्दों की कमी महसूस होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी एक ट्वीट कर इस घटना की निंदा की और बीजेपी नेता की मौत पर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की हत्या की निंदा करता हूं। उनके परिवार और सहयोगियों के प्रति मेरी संवेदना। अल्लाह दिवंगत को जन्नत में जगह दे। इस आतंकी घटना की पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी निंदा की। उन्होंने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि ये सुनकर अत्यंत दुख हुआ कि आज बीजेपी जिला अध्यक्ष और उनकी पत्नी की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनके परिवारों और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदना। आज वर्ल्ड लॉइन डे है और इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों को बधाई दी। पीएम ने लिखा कि शेर शानदार और साहसी होते हैं। भारत को एशियाई शेरों का घर होने पर गर्व है। वर्ल्ड लायन डे के मौके पर मैं शेरों के संरक्षण से जुड़े लोगों को बधाई देता हूं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले कुछ सालों में भारत में शेरों की आबादी में लगातार बढ़ोतरी हुई है। गुजरात से राज्यसभा सांसद परिमल नथानी में भी गिर के जंगलों में शेरों की तस्वीरें शेयर करते हुए सबको वर्ल्ड लायन डे की बधाई दी। साथ ही परिमल नाथवाणी ने केंद्र सरकार से बब्बर शेर को देश का राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि गिर के जंगलों में शेरों की बढ़ती संख्या सरकार की संरक्षण नीति का ही नतीजा है। बब्बर शेर एशिया में सिर्फ गिर के जंगलों में ही पाए जाते हैं। मैंने एक बार राज्यसभा में बोला भी था कि हम इसमें नहीं जा रहे हैं कि कौन सा एनिमल अच्छा है नहीं है, बट लायन को जो प्रमोशन मिलना चाहिए ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया है उसमें मैं और एक बात कहूँगा कि एक बार लायन को नेशनल एनिमल डिक्लेयर करें वो हमारे लिए गौरव की बात होगी।